हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया का खिताब जीतने वाली मनिका श्योकंद से चंडीगढ़ में मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें भगवद गीता के प्रति भेंट कर बधाई व उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मनिका श्योकंद के साथ उनके माता पिता व अन्य परिजन भी पहुँचे थे। मनिका श्योकंद मूल रूप से हरियाणा के जींद जिला की रहने वाली हैं और उन्होंने हाल ही में ये खिताब अपने नाम किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हरियाणा में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत के बाद बेटियों के प्रति एक सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ है और अभिभावकों की सोच बदली है, जिससे बेटियों को अपने पसंदीदा क्षेत्रों में ऊंचे मुकाम हासिल करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि मनिका श्योकंद एक केमिकल इंजीनियर हैं और पर्यावरण में उनकी रुचि को देखते हुए प्रदेश में उन्हें इससे संबंधित योजनाओं गतिविधियों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा ताकि अन्य बेटियों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल सके। देखिए, मुझे बहुत ही प्रसन्नता इस बात की कि जो अभियान हमने 2015 22 जनवरी को पानीपत से शुरू किया था, प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे, आह्वान किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। उस समय हमको भी उतना बहुत बड़ा विश्वास नहीं था कि हमारी बेटियां इस आह्वान के बाद कितना आगे बढ़ जाएंगी और कितना हमको एक उपलब्धियां मिलेंगी, सफलता मिलेगी। आज मैं बहुत ही गर्व से इस बात को कह सकता हूं कि जैसे बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, खास करके अब ये जो ब्यूटी के कंपटीशन होते हैं इसके अंदर भी जैसे हम देख रहे हैं कि लगातार 2017 के अंदर तो जैसे मानुषी छिल्लर वो मिस वर्ल्ड बनी थी और वो और आगे बढ़ रही हैं। उसी प्रकार 2018 के अंदर मीनाक्षी वो हमारी बहन वो भी आगे बढ़ी थी और प्रसन्नता की बात है कि आज यहाँ पर जैसे मनिका श्योकंद ये हम देख रहे हैं आई हैं और ये 2020 की ये भी मिस ग्रैंड इंडिया ये बनी है। तो इस प्रकार से ये जो उपलब्धियाँ हो रही हैं लगातार, अब जैसे खेलों में देखते हैं, स्पोर्ट्स के अंदर भी कितनी ही हमारी बहन बेटियाँ वो कितनी आगे बढ़ रही हैं, पढ़ाई के अंदर एक से एक आगे बढ़ रही हैं। तो ये जो यानी एक उपलब्धियाँ हासिल हो रही है बेटियों के नाम से, जो हरियाणा प्रदेश कभी एक बेटियों को मारने वाला प्रदेश जाना जाता था, आज बेटियों को बचाने वाला प्रदेश, बेटियों को पढ़ाने वाला प्रदेश और बेटियों को खेलों में आगे बढ़ाने वाला ये एक प्रदेश हमारा जो उपलब्धि हमें मिली है, न केवल देश में बल्कि दुनिया में भी, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। तो मैं समझता हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये अभियान ये बहुत आगे बढ़ा है। जो जेंडर रेशो 871 का जेंडर रेशो था 2013-14 में, वो आज बढ़ करके 922 हो गया है और ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम इसको चाहेंगे कि हम 950 तक ये जेंडर रेशो अपना कंप्लीट यानी हो, इसके लिए और प्रयत्न करेंगे। तो आज इस अवसर पर मैं हमारी बेटी मनिका श्योकंद को और इनके परिवार को, माता पिता को, बाकी इनके भाई को, इनके रिश्तेदारों को, सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। इस अवसर पर फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया मनिका श्योकंद ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है और उनके नेतृत्व में हरियाणा की बेटियों को आगे बढ़ने के अनेक अवसर मिले हैं। उन्होंने प्रदेश के अभिभावकों को हरियाणवी में अपील करते हुए कहा कि तामे सारी अपनी अपनी बेटियां ने आगे आने का मौका दियो, तमने निबेरा थारी बेटिया में कितनी काबिलियत है। आज मैं पहली बार चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी से मिली हूँ और उनसे मिलकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि आप किसी मंत्री से मिल रहे हो, ऐसा लग रहा था मेरे पापा सामने बैठे हैं। उन्होंने अपना सपोर्ट देने और अपनी बधाइयाँ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने बहुत प्यार दिया है और वो बहुत प्राउड थे कि हरियाणा की बेटियाँ आगे आ रही है और मैं बहुत खुश हूँ। उनके आने के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो जितना सक्सेस मिला है वो उसके लिए कोई शब्द नहीं है और उनकी वजह से आज हरियाणा की बेटियाँ इतनी आगे बढ़ रही है। सो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे प्रोजेक्ट के पर देने के लिए भी मेरे को आश्वस्त किया है, तो मैं उनका थैंकफुल हूँ बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच सर। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि तमें सारे अपनी अपनी बेटियां ने आगे आने का मौका दो, तमने नहीं बेरा तुम्हारी बेटियों में कितनी काबिलियत है।